नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बता दें कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन जो है 20 से 25 दिसंबर तक मोइनुल हक स्टेडियम में किया जाएगा, जिसको लेकर के आज बीजेपी कार्यालय में ट्रॉफी का अनावरण हुआ है। ये ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम में पूर्व सांसद आर के सिन्हा और संजीव चौरसिया भी शामिल हुए हैं। और सबसे पहले आप वो सुने कि इन विधायकों ने क्या कुछ कहा है आगे खेल कूद कार्यक्रम को लेकर के। बहुत अच्छा कर रही है। आज ओलंपिक के जितने पदक आ रहे हैं ज़्यादातर महिलाएं ला रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। सर, महिलाओं के लिए जो राज्य सरकार है वो और क्या क्या चीज़ें कर रही हैं महिलाओं की भागीदारी को और सक्रिय करने के लिए, इसके बारे में बताइए। तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या समाज हो, सबको महिलाओं को आगे बढ़ाना। सर 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 सर, सर नहीं हम लोग का सर जन्म तिथि को हर साल मनाने के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए बहुत उन्होंने सोचा, काम किया, सम्मान करते थे, बच्चों को आगे बढ़ाते थे। तो ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम के बाद 25 तारीख को उनका जन्मदिन हो जाएगा। 26 तारीख को यहाँ अटल काव्यांजलि भी आयोजित किया जाएगा रविंद्र भवन में। सारे बड़े बड़े सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, ऐसे बड़े बड़े उच्च कोटि के कवि इकट्ठे होंगे। सर, महिला खेलकूद के मैदान में। तो देखा आपने किस तरीके से आर के सिन्हा और संजीव चौरसिया जो है वो कार्यक्रम में शामिल हुए, ट्रॉफी का अनावरण हुआ और साथ ही साथ आगे क्या कुछ योजनाएं खेल कूद को लेके आएंगी सरकार के द्वारा, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया। तो फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।